Lesson in electric field intensity due to an electric dipole at any position of the dipole. Electric field intensity due to an electric dipole at any position of the dipole. ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे. We have to find expression for electric field intensity due to an electric dipole at any position. तो मान लेते हैं कि dipole हमारा क्या बताते हैं, dipole B है, dipole B है, having charge माइनस टू प्लस टू, लेंथ टू ए. ठीक है, लेंथ कितना है, एल लेंथ लेफ्ट है, एल लेंथ राइट, टू ए. अ पॉइंट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस आर एट एंगल थीटा फ्रॉम द डाइपोल. डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है बताओ, अलोंग द लाइन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ये डाइपोल की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी. पी की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ना. ठीक है, तो पी की डायरेक्शन है, पी से पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पर है, कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, और कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर, आर. इस पर आपको क्या करना है, फील्ड निकालना है ना. तो देखिए इस सिस्टम में दो चार्ज है, सिस्टम में क्या बताओ, दो चार्ज है. अगर किसी सिस्टम में एन चार्ज होते हैं तो एन चार्ज से फील्ड निकालते हैं और उसका वेक्टर सम कर लेते हैं. इस सिस्टम में दो चार्ज है तो दोनों चार्ज से फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर लेंगे, नेट के नंबर मिल जाएंगे, है ना. ठीक है, तो देखिए अब तो दो चार्ज से फील्ड कैसे निकलेगा, यह हम ऐसा करते हैं कि डायपोल को पी, ये आपका पी है, डायपोल के दो पार्ट कर लेते हैं, ये आपका पी है ना, पी के दो पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, दो पार्ट कर देते हैं, एक जो है आर के लॉन्ग कर लेते पार्ट, एक आर के परपेंडिकुलर कर लेते हैं. पी है हमारा, पी का एक जो है आर के डायरेक्शन पार्ट कर ले रहे हैं, एक आर के परपेंडिकुलर कर ले रहे हैं. ठीक है, तो आर के लंग पार्ट करिएगा तो क्या मिलेगा बताओ, आर के लंग पार्ट करेंगे, आर के लंग पार्ट करेंगे तो देखिए पी जो है आर के कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा, पी जो है आर के कितना एंगल बना रहा, थीटा. जब थीटा एंगल बना रहा है तो आप जानते हैं कि कोई वेक्टर अगर ये है तो उसका थीटा डायरेक्शन में पार्ट क्या होता है, ए कॉस थीटा. अगर कोई वेक्टर ए है, अभी आपने देखा था कोई वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए का थीटा डायरेक्शन में पार्ट क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है, क्या होता है, ए कॉस थीटा. तो देखिए पी है तो पी का थीटा डायरेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा. थीटा डायरेक्शन में जो पार्ट, इधर जो पार्ट हुआ आपका पी कॉस थीटा हो गया, कितना हो गया, पी कॉस थीटा, है ना. अब उसके बाद इससे जो 90 एंगल पर होगा वो पी साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा. इससे 90 डिग्री ले लीजिए, इसके जो 90 डिग्री ले लिए तो क्या हो जाएगा, वो पी साइन थीटा, है ना. इधर जो पार्ट होगा आपका पी साइन थीटा होगा. इस तरह से दो पार्ट हो गए, एक पी साइन थीटा, एक पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा. तो पी साइन थीटा जो है ये वर्टिकल पार्ट है, ये क्या होता है, पी परपेंडिकुलर, पी साइन थीटा क्या, पी पैरेलल, ये क्या है, पी पैरेलल, पी पैरेलल, पी पैरेलल. ठीक है, ये आपका, तो देखिए पॉइंट पी जो है वो क्या है बताओ. देखिए हमारे पास दो डायपोल अब हो गए, हमारे पास दो डायपोल हो गया, एक पी पैरेलल और एक पी परपेंडिकुलर, है ना. अब हमारे पास दो डायपोल हो गए, अब जो है गिवन डायपोल को बोल दीजिए, क्योंकि इसको हमने दो पार्ट तोड़ लिया ना, एक इधर एक इधर, ये लाइन ये दो तक एक था, इसको हमने दो पार्ट ब्रेक कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, अब इसको बोल जाते हैं. अब देखिए हमारे पास दो डायपोल हो गया, एक तो पी परपेंडिकुलर हो गया, पी परपेंडिकुलर, और एक पी पैरेलल हो गया ना. तो पी पैरेलल जो है, तो पॉइंट पी जो है पी पैरेलल, पी पैरेलल के एक्सिस पर है, पी पैरेलल क्या बताओ, एक्सिस पर, पॉइंट पी इज एट द एक्सिस ऑफ पी पैरेलल एंड पॉइंट पी इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी परपेंडिकुलर ना. या कह लीजिए कि ये जो है ब्राडन पोजीशन में, पी पर पी जो है पी परपेंडिकुलर के ब्राडन पोजीशन में है और पी पैरेलल के इनर पोजीशन में है. पी पैरेलल के क्या है, इनर पोजीशन में, क्योंकि पी पैरेलल का नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना. तो देखिए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइन में है, ये पॉइंट पी जो है क्या बताओ, नेगेटिव
पॉजिटिव में है ना, तो इसलिए एंड ऑन पोजिशन हो गया। तो पी इज इन एंड ऑन पोजिशन ऑफ पी पहले, और पी परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, ये नेगेटिव बेस का और इधर पॉजिटिव होगा, कहीं इधर पॉजिटिव होगा है ना। और पी इज इन पी एट ब्रॉड एंड पोजिशन, ठीक है बताओ, इस डायपोल के ब्रॉड एंड में, ये डायपोल लीजिएगा ये वाला जो कि पी परपेंडिकुलर है, इसके रिस्पेक्ट में पी क्या बताओ ब्रॉड एंड पोजिशन में, और इसके रिस्पेक्ट में डायपोल, इसके रिस्पेक्ट में पी कहां पर है, इन डायपोल पोजिशन में, इसमें बताओ इन डायपोल पोजिशन ना, ठीक है। तो पॉइंट पी इज इन इन डायपोल पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू पी पहले डायपोल एंड इन ब्रॉडर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू पी परपेंडिकुलर डायपोल। अब हमारे पास दो डायपोल है, एक पी परपेंडिकुलर है और एक पी पहले है, तो पी परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है या एंड ऑन ब्रॉड एंड पोजिशन में, ठीक है, इक्विटोरियल लाइन पर है, और पी पहले के रिस्पेक्ट क्या है, एक्सियल पोजिशन में है या एंड ऑन पोजिशन में है ना। तो देखिए एक्सिस, तो एक्सियल पोजिशन जब फील्ड होती है, फील्ड आप रेडी डायपोल इन एक्सियल पोजिशन अभी निकाला था, क्या होता है बताओ, एलॉन्ग एक्सिस होता है, एलॉन्ग एक्सिस है, तो क्या होगा, ई पैरेलल हो जाएगा, ई फील्ड क्या हो जाएगी, ई पैरेलल, और जो ब्रॉड एंड पोजिशन की फील्ड होती है वो क्या होती है बताओ, एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब जैसे पी हमारा किधर है बताओ, बी पी परपेंडिकुलर इधर है, पी परपेंडिकुलर किधर है बताओ, ई डायरेक्शन में, तो जो पी इससे जो फील्ड होगी हमारी ई डायरेक्शन होगी, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल आप दिस जिसके एंटी पैरेलल की दीजिए, जिसके एंटी पैरेलल ही होगी है ना, यहाँ पर एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये हो गया ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों फील्ड क्या बताओ, एक दूसरे के बीच में परपेंडिकुलर, ये दोनों फील्ड क्या है, एक दूसरे के बीच में परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो चलिए अब इससे फील्ड निकाल लीजिए, तो हमारे पास अब दो फील्ड है, इस डायपोल से दो फील्ड है मिल रहे पी पर, एक तो ई पैरेलल मिल रहा है और ये क्या है, ई परपेंडिकुलर मिल रहा है। अब इसी का रिजल्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय दैट एंगल व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर ना, हां अगर दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में पैरेलोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दें, तो उनका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, पैरेलोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से जाता है। तो देखिए ये ई पैरेलल है, इस लाइन से रिप्रेजेंट है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, ई परपेंडिकुलर इस लाइन से रिप्रेजेंट है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, माने उस डायगोनल से जो इसके इंटरसेक्शन से जा रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, जिसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, पी से जाएगा, यहां जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट फील्ड ई हो गया, रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया, ई है ना। अब ई की वैल्यू निकालेंगे, ई की वैल्यू क्या होगा बताओ, जैसे दो वेक्टर आपके पास ए बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसे यहाँ लगा देते हैं कि ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई पैरेलल स्क्वायर ना, और प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर, माने फील्ड इक्वल टू ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर है ना, ये हो जाएगा आपका। अब इसे वैल्यू ले लीजिए, तो ई या ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कह लीजिए, तो ई एक्सियल की वैल्यू क्या होती है बताइए, ई एक्सियल की वैल्यू आपने निकाला था वहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन क्या होता है, 2p अपॉन आर क्यूब, ये होता है ना, यहां पर 2p पहले अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, 2p पहले अपॉन आर क्यूब हो जाएगा और होल स्क्वायर, इससे क्या होगा होल स्क्वायर है ना। अब ई परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी बताओ, इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमने डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड होती है एक्सियल पोजीशन की हाफ होती है, एक्सियल पोजीशन की होती है हाफ होती है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है पी परपेंडिकुलर का, यहां पर पी परपेंडिकुलर होगा अपॉन आर क्यूब, ठीक है होल स्क्वायर ये हो जाएगा ना। अब ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी, देखिए अब इसे वैल्यू रख देते हैं, इसमें देखिए 1/4π0 आर को दोनों में है, दोनों टर्म में 1/4π0 है, इसलिए इसको क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लीजिएगा तो इसको इक्वल क्या हो जाएगा 1/4π0, ठीक है 1/r³ होल स्क्वायर,
2p पैरेलल स्क्वायर और प्लस p परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4πε0, ठीक है, 1/r³ होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब 2p पैरेलल की वैल्यू क्या बताओ, p पैरेलल की वैल्यू हमने निकाला p cos θ, p पैरेलल की वैल्यू क्या निकाला हमने, p cos θ है ना। यहां पे देखिए p cos θ और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकाला हमने, p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमने निकाला है, p sin θ। देखिए p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकाला हमने, p sin θ है ना। ये आपका p परपेंडिकुलर है, हैं तो p परपेंडिकुलर वैल्यू जो है आपका p sin θ बराबर है। यहां p sin θ दे दीजिए, p sin θ होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो e स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, e स्क्वायर स्क्वायर हो गया 1/4πε0 1/r³ होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 4p² cos²θ प्लस p² sin²θ है ना, ठीक है। अब यहां से e स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, e स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 1/r³ होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब से देखें 1p को साइन के साथ ले लेते हैं और 3p अलग कर देते हैं, है तो क्या हो जाएगा, ये 3p² हो जाएगा sin²θ हो जाएगा, 3p² cos²θ, 4 में से 1 हटा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे इसलिए करने हैं क्योंकि sin²θ + cos²θ 1 हो जाता है, है ठीक है, इसलिए आपका थीटा इंटरनेट हो जाएगा, थीटा यहां से दो टाइम से गायब हो जाएगा, p स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर। यहां से e स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, e स्क्वायर स्क्वायर हो गया 1/4πε0 1/r³, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये हो गया 3p² cos²θ प्लस p स्क्वायर हम बाहर लेते हैं, हां तो क्या बचेगा, sin²θ प्लस cos²θ, तो sin²θ प्लस cos²θ लिख देंगे जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये चीज आपका हट हट जाएगा ना, है ठीक है। तो आप यहां से देखिए p e स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से आपको e स्क्वायर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, e स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 1/4πε0, ठीक है, 1/r³ होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3p² cos²θ प्लस p² sin²θ इनटू cos²θ 1 हो गया। अब से p² बाहर ले लीजिए, p² क्या करिए बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो p² स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 1/r³ होल स्क्वायर इनटू p², ठीक है, ब्रैकेट में होगा 3p² θ प्लस 1। अब इसका रूट ले लेते हैं तो रूट में हो जाएगा 1/4πε0 1/r³ p इनटू रूट ऑफ 3p² θ प्लस 1 3p² θ प्लस 1। इस टाइप से एक फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया 1/4πε0 ऑफ p रूट 1 प्लस 3p² θ और अपन ये आपकी फील्ड हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। अब इसके डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट, अब इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं तो नेट फील्ड बेस एंगल अल्फा विद आर, आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है ना, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, टैन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल ना, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने क्या निकाला बताओ, ई परपेंडिकुलर ये वाला टर्म ई परपेंडिकुलर है ना, ये वाला टर्म क्या है, ई परपेंडिकुलर है, ये ई पैरेलल है, तो ई वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर आपका 1/4πε0 ई परपेंडिकुलर अपॉन r³ है, ई पैरेलल जो 1/4πε0 2p पैरेलल अपॉन r³ है, दिस इज कैंसिल 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 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा p परपेंडिकुलर अपॉन 2p पैरेलल, तो p परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी, p sin θ ना,
और इसके बदले क्या होंगे 2pm cos थीटा, ठीक है। तो ये आप आ जाएगा 1/2 tan थीटा हो जाएगा, 1/2 tan, तो tan आपका